मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स शामिल होंगे और फिर उनकी वक्तन फवक्तन जो सहमाई हमारे यहाँ एक विज़िट होती है वो की जाएगी, उन बच्चियों की ग्रोथ को मॉनिटर किया जाएगा, उनको अवेयरनेस दी जाएगी, उनमें शऊर पैदा किया जाएगा कि किस तरीके से वो अपनी जो जिस्मानी सेहत है उसका ख्याल रखें, क्योंकि जिस्मानी सेहत से जहन की सेहत भी जुड़ी होती है। हम मेंटल हेल्थ को उतना अहम नहीं समझते हैं बदकिस्मती से जितना हमें समझना चाहिए, लेकिन जो फिज़िकल हेल्थ है वो अल्टीमेटली मेंटल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस पायलट में देखी जाएंगी। हमें खुशी यह है कि एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन ने भी हमें इसी अच्छे काम में हमारा हाथ बटाया जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। 15 साल हो गए हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को, सोशल प्रोटेक्शन के इस काम को सर अंजाम देते हुए, और हम सिर्फ बेहतर ही हुए हैं इन सालों में। हमने इवॉल्व किया है इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन जो अब मुख्तलिफ एस्पेक्ट से सोशल प्रोटेक्शन को देख रहा है, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं एडेप्टिव सोशल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज को अप्लाई करने के हवाले से। जर्मन इदारे के WF के साथ MOU पर दस्तखत करने की तकरीब से खिताब कर रही थी विफाक की वज़ीर बरात तख़फ़ीफ़ ग़ुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ शाज़िया मरी। उनका यह कहना था कि BASP के तहत अवाम को रिलीफ और मदद की फराहमी के लिए तश्कील दिए गए प्रोग्राम्स के अहदाफ हासिल करने में कोशां हैं। इस सिलसिले में 9 मिलियन घरानों को सपोर्ट्स फराहम की जा रही हैं। जच्चा बच्चा की सेहत यकीनी बनाने के लिए बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम नुमाया किरदार अदा कर रहा है। फूड सप्लीमेंट्स के साथ कैश ग्रांट्स में भी खिदमात फराहम।